नताशा कितनी अच्छी लग रही है ना उसमें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई एम सो ग्लैड. आपने सुना तो होगा उसका गाना. ना अच्छा गाना गाया है. एक्सक्यूज मी. कांग्रेचुलेशंस. आज आपका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है. आपके एल्बम का नाम है सपनों की रानी. क्या बता सकती हैं आपके सपनों का राजकुमार कौन है? फिलहाल तो मैं सपने में हूँ. मुझे सपनों में ही रहने दीजिए. जब आँख खुलेगी तब बताऊंगी. वेरी स्मार्ट. वेरी स्मार्ट आंसर. रॉकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अ ब्यूटीफुल रोज फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल. थैंक यू. नताशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. हाँ कहो. नताशा. संजू. ये लंगड़ा क्यों आया यार? नताशा. संजू, I'm so happy you're here. Thank you. मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ. Of course. संभाल के हाँ. इनसे मिलो. ये रॉकी हीर नंदानी. हाँ. इंडिया के नंबर वन आर्किटेक्ट. तो तुम भी आर्किटेक्ट हो. तुम भी आर्किटेक्ट? मतलब यहाँ और कौन आर्किटेक्ट है? एक्चुअली संजू भी आर्किटेक्ट है. अच्छा, आप भी आर्किटेक्ट है. नाइस, वेरी नाइस. प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की? वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड. या. और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाए आपने? मैंने ताजमहल. ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया. किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई. ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया? ताजमहल होटल मुंबई मैंने नहीं बनाया. उसके बाजू में जो वो सब पूरी कांच वाली बिल्डिंग है ना. तो तुम्हारा कांच का भी है क्या धंधा? कांच का नहीं. एक्सक्यूज मी, वो कांच का बिल्डिंग ओबरॉय बिल्डर्स ने बनाया. बिल्कुल सही फरमाया. ओबरॉय बिल्डर ने बनाया, लेकिन जो डिजाइन है वो मेरा है. ये तो दोस्ती यारी में मैंने एक शर्त रखी थी कि भाई मेरा नाम मत लेना. और क्या क्या बनाया आपने? फेमस. अब और आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं? बाकी एसी फुल है. बोलो. लाल किला देखा? लाल किला? व्हाट नॉनसेंस. लाल किला तूने बनाया? तो कुतुब मीनार मैंने बनाया. बोल. अरे आप तो सूली पे चढ़ाते जा रहे भैया. लाल किला मैंने नहीं बनाया. लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान. ओ, तो तुम्हारे गंजी बनियान का भी है? नहीं, उसका जो मालिक है उसकी फैक्ट्री मैंने बनाई है. मैंने. और क्या क्या बनाया आपने? फेमस. और मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान, दीवारों पे प्लास्टर. और अब सब मैं ही बोलते जाऊंगा. कोई ये जनाब से भी पूछे कि इन्होंने क्या क्या गुल किला, आप बताइए. जी, मुंबई में जो पृथ्वी अपार्टमेंट है वो मैंने. ओफो, ऐसा ही होता है. जब सेम फील्ड के दो प्रोफेशनल्स मिलते हैं तब ऐसे ही बात करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. कम संजू. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एंड दी डमास्क गोल्ड प्रेजेंट्स टू यू द मोस्ट सेंसेशनल म्यूजिक एल्बम सपनों की रानी. नताशा. एंड नाउ वी'd आल्सो लाइक टू प्रेजेंट कलेक्शन जी गोल्ड ज्वेलरी टू नताशा. थैंक यू. खुश लग रहे. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. लेट्स नाउ वॉच नताशा एक्सक्लूसिवली ऑन ज़ूम. अरे देख मुन्ना देख. अयो अप्पा अन्ने तानिया दुबई. ओए सुब्रमण्यम की औलाद चिल्ला क्यों रहा है? मंगा तो दिया तेरे को इडली भी डोसा भी. अप्पा और बहुत कुछ मंगाना पड़ेगा शादी के लिए. तो अड़े मिल गई. 3 साल तक ढूंढा ताड़े दुबई में है. डैड ये तो वही लड़की है जिसके पास तोता है. तेरी शादी जरूर होगी पुत्र. चलो दुबई. ओए खोते, तू उस लड़की को, मेरा मतलब हमारी बहू को पहचान लेगा ना? अप्पा मैं ताने को बिना देख के ही पहचानेगा. ओए मैं दुवड़े, तू लड़की को बिना देखे कैसे पहचान लेगा? अंकल शायद आप ये नहीं जानते कि इसकी नाक बिल्कुल एक कुत्ते की तरह है. आई कैन स्मेल तानिया.
चिंता मत करो डैड, दुबई में तानिया होंगी कितनी, ढूंढ लेंगे उसे, जाएगी कहाँ? Oh, you have a point. चलो आगे बढ़ो. भाई हम लोग तो 6 बजे आने वाले थे, इतना जल्दी काको आ गए? अबे एडवांस में उन दोनों की बातें सुनेंगे तो पता चलेगा कि लड़की के दिल में क्या है. हाँ, तो लाइए डंडा निकालिए. मैं उसकी जरूरत नहीं है, उसके ब्रेसलेट में मैंने माइक्रोफोन फिट कर दिया है. क्या बात कर रहे हैं भाई, तुम्हें क्या लगता है रॉकी आज कोई खास वजह से यहाँ आ रहा है? क्या पता. ए भाई, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता. आओ. अरे लेकिन मुझे तो पता है. ए भाई आंटी अपनी साइड है. लेकिन इस आंटी का तो मैं मंदिर बनवाऊंगा. मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं, अब ये क्या बोलेगा अंदर जाके? नताशा, मैं तुमको एक खास बात बताने आया हूँ. खास बात? क्या खास बात? नताशा, तुम रॉकी से दूर रहना. क्या है? क्यों, क्या हुआ? अरे नताशा, वो फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट नहीं है. Oh my God. ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, आर्किटेक्ट तो दूर की बात है, नताशा एक मामूली सा कड़िया भी नहीं है. ये कमीना टांग अड़ा रहा है. लेकिन भाई वो तो लंगड़ा है ना. हाँ, लंगड़ा है वो. भाई मुझे क्यों मारो? और किसको मारू नहीं तो. मैंने नेट पे सारे आर्किटेक्चुरल इंस्टीट्यूट के नाम चेक कर लिए, रॉकी हीरानंदानी का नामो निशान नहीं है उसमें. भाई 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 क्या कर भाई. लेकिन उसने मुझसे ऐसे झूठ क्यों कहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैंने वेबसाइट का नाम अपनी डायरी में लिखा है, तुम चेक कर सकती हो. नहीं नहीं, मुझे अपाहिज होने का महसूस मत होने दो नताशा. नताशा नहीं, हाल दो बेटे, हाल के तो ऐसा. पका पका पका. मैंने उसके घर का पता भी ढूंढ निकाला, 2-4 दिन में उसकी सारी पोल खोल दूंगा मैं. सब ठीक हो जाएगा भाई, भाई। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ. लेकिन वो तो शाम को 6 बजे आ रहा है ना, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती. अबे वो आ रही है, भाग. अबे गाड़ी लेके भाग, जल्दी कर, फटाफट पका.